विंग कमांडर अभिनंदन के घर वापस आने के बाद अब सियासी गलियारों में राजनीति का दौर शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंसूर ने पाकिस्तान में हुए हमले को हवा हवाई बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठे वादे करने में एक्सपर्ट है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देशन पे समाजवादी पार्टी के बूथ प्रभारियों का सम्मेलन चल रहे हैं। आज शहर विधानसभा का बूथ सम्मेलन था और ज़िले की मासिक बैठक भी थी, उसी संबंध में आज यहाँ समाजवादी पार्टी के तमाम साथी और नेता यहाँ पर इकट्ठे हुए। सर, अभी आप मन से बोल रहे थे, आपने कहा कि स्क्रिप्ट पहले तैयार थी मोदी जी की, ये सब हवा हवाई बातें हैं, हमला भी जो पाकिस्तान पर किया गया वो हवा हवाई है, इसके अलावा तमाम बातें आपने कही और जो है शहीदों के जो पूरा प्रकरण है उस पर आप बोलते रहे, सब किस तरह से हवा हवाई है? देखिए, हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं वो सब सैनिकों की पार्थिव शरीर उनके परिवार के लोगों के को सौंपे गए हैं, लेकिन ऐसा कोई वीडियो क्लिप, ऐसा कोई न्यूज़ किसी चैनल से अब तक नहीं दिखाई दिया जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों को हमने मरते हुए देखा हो, दफनाते हुए देखा हो। अब इसी आधार पर कहा जा सकता है कि जो हमला हुआ है वो हवा में हुआ है और जो लोग मरे हैं वो हवाई हमले से मरे हैं, उनका कोई सबूत तो अभी कहीं सामने आया नहीं है। सर, एक बात और लगातार की जा रही थी सत्ताधारी की तरफ से कि कोई राजनीति ना करे, शहीदों की शहादत पर राजनीति ना हो, लेकिन अब देखा है जरा केशव प्रसाद मौर्य हैं, तमाम जो मंत्रीगण हैं वो पीएम मोदी का फोटो लगा करके इस पर राजनीति कर रहे हैं, इसमें प्रतिक्रिया? देखिए, जो विजयी एक तरीके से हम लोग हुए हैं और जो हमारा फाइटर में उड़ाने वाले कमांडर अभिनंदन वापस आए हैं, ये तो अंतर्राष्ट्रीय एक संधि है, उसके तहत आए हैं। लेकिन इसको आने को आज ही अखबार में है कि हमने पिछले 4 महीनों में 2 पाकिस्तानी सैनिक वापस किए हैं, तो ये तो आदान प्रदान उस संधि के तहत हो रहा, उनके सैनिक यहाँ आएंगे, हमारे जाएंगे, अगर कोई गलती से चूक से हो जाएगा और युद्ध के दौरान नहीं बल्कि बगैर युद्ध के अगर कोई पकड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से उनका तो आदान प्रदान उस संधि, और अगर नहीं सौंपा जाएंगे तो संधि का उल्लंघन होगा। तो लेकिन उस आने को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता वो तमाम के तमाम ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे वो कोई ज़बरदस्ती और गन पॉइंट पे वापस छुड़ा के लाए हों, वो तो संधि के तहत आए हैं। लेकिन उनकी मानसिकता है कि छोटी बातों को भी बड़ी बात करके वो दिखलाते हैं। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें अभिमन्यु खुद ये कह रहे हैं कि यहाँ की मीडिया जो है, तथाकथित कुछ मीडिया, वो छोटी बातों को बड़ा करके दिखला।